हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अपने गांव यानी श्रीनगर गढ़वाल, और वहाँ पे हमारे मतलब परिवार में जो हम मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे चाचा ससुर जी 1 महीने पहले एक्सपायर हुए थे, तो उनका ही 30वीं है, उसके लिए जा रही हूँ मैं गाँव। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी और क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों यदि मेरे से वहां से कोई भी वीडियो बनी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और मैं भी मतलब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी और मैंने कौन कौन सी वीडियो बनाई है। तो चलो चलते हैं और अभी निकलते हैं गांव के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों जब मैं गांव जाने के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं जाते हुए भी नहीं बना पाई, और मतलब कि वहां से जब मैं आई भी तब भी नहीं बना पाई, मैं वहां की भी नहीं बना पाई। जाते हुए इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी, और मतलब कि बारिश होने की वजह से थोड़ा दिमाग अजीब सा हो गया था मेरा। देहरादून से ही बारिश हो गई थी और जाते समय भी नहीं बना पाई। अभी मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। मैं गई थी बुधवार को और बृहस्पतिवार को मैं आ गई थी दिन में, तो बुधवार को ही वहाँ मतलब उनकी मेरी हमारे चाचा ससुर जी की 30वीं थी, 30 दिन हो गए थे उनको। तो हमारे यहाँ 30 दिन में होता है ना, पितृ रखते हैं, पितृ बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको रखते हैं, तो वही वो था उनका। उसके लिए गई थी मैं श्रीनगर अपने ससुराल, तो अभी मैं वापिस आ रही है, तब जाके यहाँ पे आके मुझे याद आया कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और अभी मैं ऋषिकेश पहुँच गई हूँ, अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं लक्ष्मण झूला की वीडियो बना रही थी लेकिन नहीं बन पाई। यहाँ पर मैं ऋषिकेश में हूँ अभी। और अभी मैं जौलीग्रांड और ऋषिकेश के बीच जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से आ रही है हमारी गाड़ी, तो उसके बाद मैं जौलीग्रांड पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे ये यहाँ पे मुझे लगता है ये रानी पोखरी का साइड है इधर। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो यदि थोड़ा सा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ फ्लाईओवर के ऊपर, यहाँ से 19 किलोमीटर है देहरादून। और दोस्तों इस फ्लाईओवर के बनने से आधे घंटे की बचत होती है देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए, तो ये फ्लाईओवर बहुत अच्छा बन रखा है यहाँ पे।
और अभी मैं घंटा घर पहुंच गई थी, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यही थी, छोटी सी वीडियो है, तब तक के लिए बाय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।